राम राम जी। मैं आज पता है क्या कर रही हूँ, बहुत ही दिलचस्पी वाला काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो और भी बनाई है जो ये तोड़ने की। तो जब हम अपनी खुशी से कोई काम करते हैं ना, तो उसको पता नहीं उसके बारे में क्या क्या करते हैं। जैसे मैंने ये तोड़े जोए, तो परात में पहले थाली में सुखाऊंगी, फिर परात में सुखाऊंगी, फिर अखबार पे सुखाऊंगी, ठीक है। फिर उसको सुखा के मैंने इस वाले पतीले में मैंने उनको गूंदा, थोड़ा हल्दी डाल के गूंद के फिर रख दिया ठंडा होने के लिए। और फिर मैं देख रही मखाई भी इसको कहाँ रखूँ। पहले मेरे मन में ये है कि मैं बहुत ज़्यादा तोड़ूंगी, क्योंकि जब भी टाइम मिलेगा, मैं रात को भी 1 बजे सोई थी, तोड़ती रही रात भर, टीवी देखती रही। जब मैं किसी काम के लिए सोच लेती हूँ ना, तो बहुत ही उस मैं मतलब जी जान लगा देती हूँ, और जिससे नहीं सोचती हूँ उसके पास मैं जाती नहीं हूँ। तो ये जो है वही तोड़ना मेरा काम नहीं, कभी भी दिलचस्पी है ही नहीं मेरे को। मतलब मैं ये नहीं कहती कि मैं मॉल के लाके खा लूंगी, मैं ये कहती हूँ मैं तो रोटी ही खा लूंगी। तो बहन ने, मेरी दीदी ने मेरे को कहा कि तोड़ने ये मखा भी भेज दियो, ठीक है मैं भेज दूंगी। तो मैंने कहा वो भी तो हाथ से तोड़ रही है बेचारी, चल मैं ही तोड़ लेती हूँ। तो इसलिए मैंने ये खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। तो तोड़ा तो एक दिन में मैंने इतने तोड़ दिए कि पूरा परिवार, पूरा बड़ा परिवार, 5-6 आदमी का परिवार पेट भर के खा सकता है, रोटी की जरूरत नहीं। इतने तोड़ दिए मैंने एक दिन में। वो कहते हैं पागल, चले तो चलता, चले तो चले नहीं, और चले तो चलता ही रहो, वो काम मेरा है। एक बार ऐसे ही मैं कभी जर्सी वर्सी नहीं बनाती हूँ, तो मैंने सभी पड़ोसन जर्सियाँ बना रही थी। तो उस टाइम पे तो हम अपने फ्लैट में हैं, फिर जब तो हम सरकारी में फ्लैटों में थी, तो मैंने क्या किया, चल मैं भी बनाती हूँ। बहुत साल में ऐसे मन करा कि मैं बनाती हूँ, तो मैंने जर्सी बनाई। 3 दिन में मेरी मम्मी की पूरी स्वेटर बना के तैयार कर दी, जो कि फुल बाजू की होती है, वो बटनों वाली। तो वो बना के मैंने 3 दिन में तैयार कर दी थी। आज तक मेरी मम्मी से वो फटी नहीं है, पता है कैसी ऊन थी, मोटे वाली ऊन थी। तो मेरी मम्मी भी कहती है कि ऐसी ऊन बना दी ना तो किसी को दे सकती और ना मैं पहन सकती, इतनी मोटी है ये, और तूने बनाई कैसे, मैं खाए से पूछ पूछ के बनाई है। तो बस मैं यही काम करती हूँ। पता मैंने क्या किया है, दूध गर्म कर दिया है और सब्जी बना के रख दी है ये रही। और अब मैं ये आपको जो असलियत बात थी ना वो दिखा रही थी। जो ये देखो मैंने ये भून भी दिए घी में, कढ़ाई में डाले ये, और थोड़ा हाँ यूँ देख लो, या एक पतीली भर है ना उसमें इतना हाँ घी डालना, 2 चम्मच छोड़ के, और वो डाल के इनको भून लो। ये कुछ तो लाल दिखाई दे रहे हैं और कुछ ऐसे, तो देख लो इनका ऐसा कलर करना, ज्यादा लाल भी नहीं करना है। तो ये बन के हो गए हैं तैयार। अब मैंने बना रखी है ये जोए, बना रही हूँ रात के लिए। और तुलसिया के पत्ते मैं तोड़ लाई थी, कुंसी भाड़ नहीं है किसी के पास, तो जो ये तुलसिया के पत्ते जरूर होते हैं जब आप व्रत खोलोगे उसमें। तो ये तुलसी के पत्ते मैंने पहले ही तोड़ के रख लिए थे, क्योंकि रात को तुलसी माता को नहीं छूते हैं, तो ये भी रख लिए हैं मैंने। और दही मंगा ली है, दही से भी दही मंगाई है, क्योंकि उसमें वो बनाएंगे दही, कच्चा दूध, चीनी, मिश्री, तुलसी के पत्ते और बूरा, इन्हीं से मैं वो बनाऊंगी जो चरनावर्त होता है, वो बना दूंगी और करूंगी। तो अब इसमें बना दी है मैंने जो है सब्जी, बना के तैयार कर दी है, रोटी भी बनाऊंगी। इस तरफ करो थोड़ा है कैमरामैन, इस तरफ है ऐसे, ताकि सभी को दिखाई दे आराम से कि जो ये कैसे बने हैं। तो ये जो ये बने हैं देखो ऐसे, ये इसमें इस अच्छा ये बनाने के लिए कैसे बनाए जाते हैं जो ये उसके सूजी के, तो सूजी के जो है पहले भूंद लिए मैंने, फिर इसमें पतीला रखा मैंने इसमें, और थोड़ा सा इतना सा घी डाला दूध में, पहले दूध उबलना रख दिया, उसमें पानी भी डाल दो, मैंने थोड़ा पानी भी मिला दिया था दूध में, और फिर थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया ताकि चिकनाहट रहे इनमें। और ये बन के होगी है तैयार, इवन मैं इनको रखू हूँ। मैंने सोची थोड़ा सा दूध और लेने की सोच रही थी, कहीं ये टाइट ना हो जाए, तो थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ। अब पड़िया का काम चम्मच ही करती है, क्योंकि पड़िया मैंने एक दो में ले भी लिया, फिर वो ऐसे ही पड़े रहता है। इसमें रखा ही बर्तनों का भंडार पूरा, इसमें जितने भी बर्तन होते हैं फालतू के इसमें रख देती हूँ।
तो इसलिए बर्तनों का भंडार है और खाने पीने के बर्तन में सारे इसमें रखते हैं। तो ये पूरी तरह से बन गई है और ये जिस अच्छा ये कई काम करती है, जैसे किसी को जुकाम हो जाता है और खांसी होती है और वो पीछा ही नहीं छोड़ती है, तो प्लीज आप सब क्या करें, ये इसमें जोए बना दे, जोए बना के और ये खिला दे बच्चे को, दो बार ही खिला दे तो उसमें खांसी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। और ये है मेरे जोए जो भूंज के रखे हैं, तो मैं इसमें रख दिए हैं ये। तो मेरा बर्तनों का भंडार देखो ये है, इसमें फालतू के बर्तन रहते हैं। तो जो चाने वाले बर्तन है ना वे नहीं रखती हूँ इसमें, ये लोटा रख दिया इसमें, इसको पूरी फुल भर दूंगी। और अब आएगा मेरा बेटा, बेटे के लिए बना के रख रही हूँ, बेटी के लिए, दोनों के लिए जो है वे खुश होके खा लेते हैं। देखो चीज तो वे सारे खाते हैं पर फिर भी एक माँ को ये रहता, मैं अपने बेटे को ये खिलाऊंगी ये खिलाऊंगी ये खिलाऊंगी, तो इसलिए मैंने बेटे के लिए बना के रख रही हूँ ये। तो तुमने भी खाना है तो सारे आइएगा। और रोटियां भी बनाती नहीं हूँ, ये दूध की थैली थी इसको मैं रख देती हूँ यहाँ लेती हूँ। और ये है चक्कू, चक्कू को कभी भी जिसके घर में लड़ाई रहती हो, अच्छा एक बात मैं समझाना चाहती हूँ, जिसके घर में लड़ाई रहती है तो प्लीज वे चक्कू को ऐसे ना करें, ऐसे करके कभी मत रखो, चक्कू को नीचे की तरफ रखो ऐसे। तो ये छोटी छोटी बातें पर थोड़ा ध्यान दे लेंगे तो हम घर में कभी लड़ाई कलेश नहीं होता है और सुख शांति से परिवार चलता है। तो अब मेरा हो गया है जोत का टाइम, तो मैं अब अपनी करूँगी पूजा और गुरु मंत्र के जाप। तो अब लगेगा मेरे को एक घंटा करने के बाद मैं फिर मैं बनाऊंगी रोटियां, रोटियों का टाइम हो जाएगा, फिर रोटी खा के फिर मैं रोटी का भी खाने नहीं है बर्तन, फिर मैं तोड़ूंगी जोए, बैठ के टीवी देखूंगी आराम से 12:30 बजे तक और जोए तोड़ूंगी। और काम गया है निमट, और बस इतना ही कहना चाह रही थी। तो सारी जोए तोड़ लियो रख लियो, और खांसी जुकाम की है सबसे बढ़िया दवाई है, कति देसी दवाई और खांसी और जुकाम के लिए बढ़िया है। तो सारे आइयो इसको बनाइयो और बच्चों की खांसी जुकाम से छुटकारा दिलाइयो।